हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आ चुका हूँ आज एक और नई वीडियो वर्कआउट लेके आपके लिए। आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ अपनी चेस्ट, तो मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूँगा किस तरह आप अपनी फुल ओवरऑल चेस्ट को, चाहे वो आपकी अपर चेस्ट हो चाहे आपकी लोअर चेस्ट हो। तो आज अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी चेस्ट को ट्रेन। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक्सरसाइज कर रहा हूँ जिसे कहते हैं फ्लैट बेंच प्रेस। फ्लैट बेंच प्रेस में जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपको भी इसी तरह करने हैं, 4 से 5 सेट करने हैं आपको, और अपना फेलियर अचीव करना है। ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी। ईगो लिफ्टिंग से क्या होता है कि आपके शोल्डर जॉइंट्स में इतना दर्द हो जाता है, अगले दिन इतना सोर हो जाता है कि आपके चेस्ट में तो लगती है नहीं, आपके शोल्डर में ज़्यादा भर जाते हैं। तो ऐसा मत करिएगा, जिस तरह मैं वीडियो में कर रहा हूँ उस तरह करिएगा। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम कर रहे हैं इंक्लाइन डंबल प्रेस। इसके भी आपको 4 सेट करने हैं 14 से 15 रेपिटेशन के साथ, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। आप अपनी चेस्ट को अप करके चेस्ट की एक्सरसाइज करिएगा हमेशा। और जो हमारी यहाँ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम कर रहे हैं फ्लैट डंबल प्रेस। इसके भी आपको 4 से 5 सेट करने हैं। और आप एक ध्यान दीजिएगा, मैं आपको साइड से दिखाऊंगा कि लोग क्या करते हैं कि जब आप वो नीचे लेके आते हैं तो अपने हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे रखते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके शोल्डर में ज़्यादा लगती है। तो ऐसा मत करिएगा, थोड़ा सा जो आपका एल्बो है उसे थोड़ा सा रोटेट करके अंदर की साइड लेके आप उसे करेंगे तो आपकी ओवरऑल फुल चेस्ट डेवलपमेंट होगी, जिससे आपके शोल्डर की इन्वॉल्वमेंट हट जाएगी सारी की सारी। इस तरह आप इस अपने चेस्ट को फुल ट्रेन कर सकते हो और अपना मसल गेन कर सकते हो चेस्ट की। और जो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम इंक्लाइन बारबेल प्रेस कर रहे हैं। इसके भी 4 सेट करने हैं आपको 14 से 15 रेपिटेशन के साथ। हमेशा चेस्ट अप, और आपकी एक आर्च बननी चाहिए जो आपकी लोअर बैक होती है, उसमें आप हाथ डाल के देखिएगा, मतलब जब आप बेंच से लेटे होंगे तो उसमें एक गैप होना चाहिए एक हाथ का पूरा, तभी जाके आपकी चेस्ट में टारगेट होगा जो आप कर रहे हो, नहीं तो सारा का सारा शोल्डर ट्राइसेप्स दूसरे मसल्स इन्वॉल्व होने लग जाती है। यहाँ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज जिस जो मैं कर रहा हूँ ये उन लोगों के लिए जिनका जो अपर चेस्ट बहुत वीक है, जैसे मेरा अपर चेस्ट वीक है तो मैं अपने अपर चेस्ट के लिए कर रहा हूँ। इस तरह आप एक कहीं पे भी बारबेल फिक्स करके उसमें थोड़ा सा वेट लेके इस तरह कर सकते हो। आपकी सच कह रहा हूँ, आपकी जो अपर चेस्ट है इतनी गंदी तरह पंप होगी और डेवलपमेंट इतनी अच्छी होगी आपकी। आप इसे ट्राई करिए, आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करते रहिए, जिस तरह मैं नई नई वीडियो और ला सकूँ आपके लिए। फिर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम कर रहे हैं पैक डेक फ्लाई। पैक डेक या फिर बटरफ्लाई भी कहते हैं कई सारे लोग। इसके भी आपको 4 से 5 सेट करने हैं 14 से 15 रेपिटेशन के साथ। तो आपकी 5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप एक और एक्सरसाइज करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है चेस्ट एक बहुत बड़ी मसल है, अगर आप 5 एक्सरसाइज सिर्फ करना चाहते हो तो आप पैक डेक के बाद छोड़ सकते हो। सिर्फ पैक डेक के बाद आपकी फुल चेस्ट ट्रेन हो चुकी है। लेकिन अगर आप एक और वेरिएशन करना चाहते हो तो उसमें आप कर सकते हो केबल क्रॉसओवर। यहाँ पर मैं 3 से 4 सेट ले रहा हूँ इसके, और 15 से 16 रेपिटेशन के साथ, क्योंकि जो ये लास्ट ये एक्सरसाइज मैं लास्ट में ही करता हूँ, क्योंकि ये भी एक फ्लाई मूवमेंट है और पैक डेक भी एक फ्लाई मूवमेंट है, तो एक ही फ्लाई मूवमेंट आप कर सकते हो। ये ओवरऑल आपकी जो चेस्ट है, चाहे वो अपर हो चाहे वो लोअर हो या फिर साइड की चेस्ट हो, चाहे लोग कहते हैं कि जो मिडल लाइन होती है उसके लिए, तो आप इसे कर सकते हो। आपकी ओवरऑल फुल चेस्ट डेवलपमेंट होगी ही होगी, तो इसे आप ज़रूर इन्वॉल्व करिए अपने लास्ट एक्सरसाइज में। तो यही था आज का वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।